हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी का 15 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ से, जिससे कि जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा, फर्स्ट ऑप्शन है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सेकंड है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। थर्ड है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। फोर्थ है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया कि एक छात्रा है मदिरा नाम की, और वो क्लास में जैसे कि कुछ सेंटेंस बोलती है, जैसे मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई, इस प्रकार के वाक्य बोलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मदिरा किस प्रकार से उन वाक्य को बोल रही है। क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग ये है, तो जैसे कि हम कीवर्ड का बार बार डिस्कस करते हैं हर वीडियो में, तो यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपको केवल वर्ड जहाँ पर भी दिखाई दे तो वो हमारा नेगेटिव दर्शाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर सेकंड में देखा जाए और थर्ड में देखा जाए और फोर्थ में देखा जाए, तो तीनों में केवल वर्ड दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारे आंसर नहीं होंगे। हमारा बेहतरीन आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि मदिरा जो बात कर रही है वो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, सेंटेंस वो सही बोल रही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। भाषा, फर्स्ट है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। सेकंड है विद्यालय में ही सीखी जाती है। थर्ड है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। फोर्थ है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुपालन करती है। तो हम भाषा के बारे में पूछा गया है, तो भाषा जैसे कि फोर्थ में दिया गया कि सदैव व्याकरण के नियम, नहीं ऐसा नहीं है। भाषा क्या होती है, अर्जित की जाती है। और सेकंड में दिया गया विद्यालय में सीखी जाती है। विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय हम अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो मानक भाषा को सीखते हैं प्रयासपूर्ण तरीके से। और फर्स्ट में देखेंगे कि नियमों के माध्यम से सीखी जाती है, निखरती है, ऐसा भी नहीं है कि नियमों के माध्यम से निखरती है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है और सहज व सहानुभूति से हम सीखते हैं अपने एनवायरमेंट में रहकर, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है, सीटेट में ये बहुत करता है कि यहाँ पे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भाषा की विभिन्न छटाएं। सेकंड है अभ्यास में विविध। थर्ड है पाठों की संख्या। फोर्थ है विषय वस्तु में विविध। तो जैसे कि यहां पर हम कम महत्वपूर्ण हमें नेगेटिव छांटना है और पॉजिटिव तीन आंसर हमारे ऑलरेडी है इसमें, जो कोई आंसर होगा हमारा नेगेटिव। अगर भाषा की विभिन्न छटाएं करें तो भाषा की विभिन्न छटाएं पॉजिटिव आंसर होती हैं, क्योंकि मीन्स अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें या अनेक अनेक प्रकार के चैप्टर होने चाहिए। अभ्यासों को विभेद, जैसे कि पाठ्य पुस्तक में अभ्यास का होना, अभ्यास प्रश्नों का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि होमवर्क के तौर पर काम किया जा सके। विषय वस्तु में विभेद, मतलब प्रत्येक क्या होता है कि हमें यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स होने चाहिए, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण हमारा कार्य क्या होता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसमें चैप्टर या पाठ्य तैयार करें। जो कि हमारा नहीं होगा वो हमारा पाठों की संख्या, ये डिपेंड नहीं करता कि भाषा की पाठ्य पुस्तक संख्या का कितना होना चाहिए, बस डिपेंड करता है कि हमारी किस तरीके का उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो कि नेगेटिव में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, तो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा थर्ड आंसर। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। सेकंड है कक्षा की जटिलता को बढ़ाता है। थर्ड है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो देखो, एक से अधिक भाषाओं की बात की जा रही है, जब हम एक से अधिक भाषाओं की बात करते हैं तो यहाँ क्या संसाधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगली वीडियो में आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भाषा अर्जन भाषा अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो तो ये भी क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, सी टेट में ये बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो इसलिए हमें नई वाली क्वेश्चन जरूर देखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन देते हैं सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड में भाषा अर्जन में विभिन्नता सॉरी विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। थर्ड है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। फोर्थ है भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में नेगेटिव आंसर पूछा गया है जो कि नहीं कथन छांटना है हमें। तो ये हमारा जैसे कि फोर्थ वाला कहता है कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण और अर्जन क्या होता है हमारा सहज व स्वाभाविक, बिल्कुल करेक्ट आंसर सॉरी आंसर नहीं होगा यहाँ पे, क्या ये पॉजिटिव आंसर था सारी चीज़ें, हमें नेगेटिव आंसर छांटना है यहाँ पे, नेगेटिव ऑप्शन देखना है, तो ये सही बात है। अगर हम बात करें सांस्कृतिक विभिन्नता अर्जन में अधिगम को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है, ये भी वैसा होता है। और सेकंड में देखते हैं अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, ये भी सही बात है, इसलिए हमारा नेगेटिव जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये यहाँ पे गलत है। भाषा अधिगम में हमें अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि हम अगर सेकंड लैंग्वेज हम सीखते हैं, जैसे अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं हमें इंग्लिश सिखाएंगे उन्हें, तो उनमें अनुवाद जरूर करेंगे तभी वे अच्छी तरह से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं आप दोस्तों के साथ में। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे, ये भी क्वेश्चन नेगेटिव में ही पूछा गया है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सेकंड है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। फोर्थ है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक बहुभाषिक कक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है। अगर यहां पे हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि एक कक्षा में बहुभाषिक और सांस्कृतिक संदर्भों में क्या संवेदनशीलता, बिल्कुल हमें बात नहीं पड़ती है क्योंकि यहां पे क्या बहुत सारे प्रकार के आते हैं, तो हमें क्या यहां पे एक समृद्ध हमें एक सकारात्मक पहलू के रूप में लेना होगा, न कि समस्या और बाधा के साधक हमें साधन के रूप में लेना होता है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर हमारा। सेकंड थर्ड में बोल रहा है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री का समृद्ध वातावरण, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव बोल रहा है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ये भी हमारा पॉजिटिव बोल रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु छांटना है वो हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद में। अगर क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर में भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार या किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन केवल कहानी व कविताएं। सेकंड है विदेशी साहित्य की रचनाएं। थर्ड है ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। फोर्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। तो फर्स्ट में आया केवल, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, नेगेटिव की है हमारा, ठीक है। सो विदेशी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विदेशी रचना दे दो, और जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य आधारित हो ऐसा भी नहीं करना हमें। हमें क्या करना होगा उसमें ऐसी संरचना या ऐसी रचना जो बच्चे के प्रवेश से जुड़ी हो, जिनमें अलग अलग प्रकार की छटाएं हो, हमें ऐसा पाठ्यपुस्तक तैयार करनी है, तो ये एनसीएफ को फॉलो करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये भी नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय भाषा का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। सेकंड है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। थर्ड है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंटेस्ट करना। फोर्थ है दैनिक जीवन में
हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्थ में दिया गया है कि दैनिक जीवन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आंसर है हमारा। तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा हमारा, नहीं में क्वेश्चन देखना है हमारा, तो हमारा गया है पॉजिटिव में, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में बोल रहा है व्याकरण नियमों के कंटेस्ट करने के बारे में बात कर रहा है। सेकंड में बोल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों की विभिन्न युक्तियों का प्रयोग समझने की विकास की योग्यता, ये भी हमारा पॉजिटिव में आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव बोल रहा है ये भी। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता है विकास, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में। तो ये हमें क्या छंटना है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि हिंदी के व्याकरण नियमों को कंटेस्ट करना, क्योंकि हमें व्याकरण से कोई संबंध मतलब नहीं होता है। तो इसलिए भाषा कैसी हो, अर्जन के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए द्वितीय भाषा का उद्देश्य नहीं होगा, वो क्या होगा, व्याकरण नियमों को कंटेस्ट करना नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे, आप टीचर हैं और हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप किसे महत्व देंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण नियम, सेकंड है सीखने क्षमता का आकलन, थर्ड है काव्य सौंदर्य, फोर्थ है निबंध लिखने की योग्यता। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि लिखने की क्षमता का आकलन सबसे बेस्ट होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, व्याकरण नियम की बात कर रहा है तो ये रटंत प्रणाली की तरफ क्वेश्चन जा रहा है। अगर देखा जाए काव्य सौंदर्य, ये सारी काव्यताओं के बारे में या भाषागत पाठ्यपुस्तक की तरफ ही जा रहा है, और निबंध लिखने की बात कर रहा है तो ये भी एक रटंत प्रणाली की तरफ ही जा रहा है। तो सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, लिखने की क्षमता का आकलन करना, अगर आप टीचर हैं तो यही आप चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है, यहाँ पे भाषिक क्षमता का आकलन के बारे में पूछा गया है, तो और वो भी उचित तरीका पूछा गया क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए, सेकेंड है बादल आसमान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, थर्ड है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, फोर्थ है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो देखो हमारे थर्ड और फोर्थ तो नहीं होंगे क्योंकि हमें परिभाषा के बारे में बात कर रहा है। जब भी डेफिनेशन की बात की जाती है तो क्या है, ये रटंत प्रणाली की तरफ बात करते हैं, इसलिए हमारे आंसर नहीं होंगे, आंसर हमारे सेकेंड और फर्स्ट में से। यहां पे बात कर रहा है संज्ञा के दो उदाहरण दीजिए, ये भी क्या एक रटंत प्रणाली की तरफ बात कर रहा है, ये भी फिक्स या रटी डाइश के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर बेहतरीन आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, बादल आसमान चिड़िया बच्चों के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली तरीका कौन सा है, यहां पे भी क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है। सी टेट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन पे हमें जरूर ध्यान देना है, अगर ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और नंबर घट बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, या हम थोड़ा बहुत रह जाते हैं बाउंड्री के आसपास में, तो यही कारण होता है हमारा। इसलिए क्वेश्चन पे भौतिक तरह से ध्यान देना है अच्छी तरह से, जिससे हमारे क्वेश्चन कम से कम गलत हो या गलत ही ना हो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है संवाद अदायगी, सेकेंड है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, थर्ड है अपने अनुभवों का वर्णन, फोर्थ है बातचीत करना। तो देखो ये भी पॉजिटिव आंसर है फोर्थ वाला, बातचीत करना, अपने अनुभवों का वर्णन करना, ये भी क्या पॉजिटिव आंसर है, और संवाद अदायगी करना, ये भी क्या पॉजिटिव का, संवाद अदायगी मतलब होता है जैसे कि हम आपस में एक दूसरे से अपने तर्क वितर्क करते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर हो जाएंगे। तो इसे हमारा सबसे कम प्रभावी तरीका होगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि व्याकरण आधारित संरचना के अभ्यास के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यही हमारा सबसे बेहतरीन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, फर्स्ट है समृद्ध भाषिक वातावरण, सेकंड है भाषा के व्याकरणिक नियम, थर्ड है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, फोर्थ है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो फोर्थ में बात कर रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक, तो सिर्फ ये पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा है, हम ये बात कर रहे हैं भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है या कारक है, तो ये चीज पूछी जा रही है, यहां सिर्फ पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा है, यहां पर सेकंड थर्ड वाले में बात कर रहा है पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये रटंत प्रणाली की तरफ जा रहा है, और सेकंड वाला तो सीधा व्याकरण की तरफ जा रहा है, इसलिए ये आंसर तुम्हारा होगा ही नहीं।
कंठस्थ करना, व्याकरण करना, अगर प्रभाषित करना, इस प्रकार के ऑप्शन में शब्द दिख जाए आपको तो वो हमारे आंसर नहीं होंगे। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बेहतरीन वाला, फर्स्ट वाला, समृद्ध भाषा वातावरण सबसे बेहतरीन आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे जो देख नहीं सकते उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिखाते समय आप क्या करेंगे टीचर होने के नाते से, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। थर्ड है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। फोर्थ है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो देखो हमें क्या दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में क्या करना है, भाषा सिखानी है तो क्या करना चाहिए हमें उनके लिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा मौखिक भाषा बोलेंगे उनके सामने, उनसे बोलवाएंगे तो उन्हें क्या ये श्रव्य सामग्री हमें उन्हें उपलब्ध होगी, जो कि एक समावेशी कक्षा की तरफ ये क्वेश्चन जाता हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना होगा, बोलने का ज्यादा प्रयोग करना होगा, जिससे बच्चे सीख पाएंगे। बाकी के कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अलग बिठाना चाहिए, बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। सेकंड के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना, ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना। थर्ड के अकॉर्डिंग कम पाठ हो, ऐसा भी नहीं करना हमें। तो हमारा सबसे बेहतरीन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें समावेशी कक्षा के बारे में लेके चलना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। बहुभाषिकता फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। सेकंड है भाषा ही समृद्धि को खतरे में डालती है। थर्ड है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। फोर्थ है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता का मतलब होता है कि अनेक जगहों से बच्चे आते हैं क्लास के अंदर या स्कूल में, तो वो अनेक प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो ये क्या होती है हमारे संसाधन के रूप में कार्य करती है। हमें कभी ना बाधा समझना चाहिए, ना खतरे में डालती है, ना बाधा उत्पन्न करती है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसा करती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि संसाधन का कार्य करती है। क्यों करती है संसाधन का, क्योंकि बच्चों को अनेक प्रकार के शब्द भंडार मिलते हैं सीखने के लिए, बच्चों दूसरे बच्चों से एक ही चीज़ को अलग अलग शब्दों में व्यक्तांश करने के लिए, बोलने के लिए हमें नए नए शब्द मिलते हैं। तो इसलिए हमारा क्या संसाधन के रूप में कार्य करती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, अगर क्वेश्चन कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। सेकंड है भाषा सॉरी अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। थर्ड है कोरी स्लेट होते हैं। फोर्थ है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया जब बच्चे विद्यालय आने से पहले किस प्रकार के होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है जैसे थर्ड ऑप्शन बोला है कि समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं बच्चे, अपने बारे बता देते हैं आराम से। अगर उनका थोड़ा सा वक्त इंटरव्यू या बायवा लिया जाए, बच्चों से पूछा जाए तुम कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, ये क्या है, तो बच्चे बताते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है। कोरी स्लेट ये भी नहीं होता कि बच्चे बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं। इसमें भी दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में भाषा के चार कौशलों से अधिकार पूर्ण, ऐसा भी नहीं है। बच्चे को सिर्फ जो भाषा सीख के आते हैं वो अर्जन के माध्यम से सीख के आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता उन्हें करना क्या कैसे करना होता है। तो सबसे जो बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। जो उनके समाज में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उसे वो सीख कर आते हैं विद्यालय के अंतर्गत। तो ये हमारा सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, अगली वीडियो मिलते हैं आपसे।